हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द ऑप्शंस। द ऑप्शन इज मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स। पूछा गया है कि इनमें से कौन से बायोम में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो प्रेसिपिटेशन है ये अगर हम देखें किस फॉर्म में होता है, जैसे कि रेन हुआ एंड स्नो। और जो मेन एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है उसको मेजर हम किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो होता है टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन किस में देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसमें जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो अगर हम देखें अराउंड जो मोर देन 150 से लेके अगर हम देखें जो यहाँ पे 420 तक सेंटीमीटर तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें सबसे ज़्यादा होगा इन सब में से। एंड इसके बाद अगर हम देखें इससे कम किस में देखने को मिलता है, इससे कम जो होता है यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट। और टेम्परेट फॉरेस्ट से भी कम किस में देखने को मिलता है, यहाँ पे इनमें से ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड से भी कम प्रेसिपिटेशन किस में देखने को मिलेगा, डेजर्ट में। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये करेक्ट होगा। ये वाला तो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर टू दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।